भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन अपना सवा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस मैच को अश्विन पूरी तरह से यादगार बनाने पर लगे हुए हैं। पहली पारी में अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए, 5 विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है और रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट हासिल कर लिए हैं। यानी कि टेस्ट क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाए तो उन्होंने अपना फाइफर खोल दिया है और ये उनके इतिहास का 36वां 5 विकेट हॉल है। यानी कि इससे पहले 35 बार वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं और अब 36 बार उनके पास 5 विकेट हॉल हो गए हैं और अगर अश्विन अब 1 विकेट और हासिल करते हैं तो वो 10 विकेट हॉल में चले जाएंगे। उन्होंने एक मैच में 8 बार 10 विकेट हॉल का कारनामा किया है और अगर अब बस 1 विकेट लेते हैं तो 6 इस पारी में 4 पहली पारी का मिला के कुल 10 विकेट हो जाएंगे और रविचंद्रन अश्विन इतिहास बना देंगे। अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने अपने सवे टेस्ट मैच में 1 पारी में 9 या 8 या 10 विकेट हासिल नहीं किए थे। रविचंद्रन अश्विन ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं और टीम इंडिया ये बस मुकाबला जीतने वाली है क्योंकि इंग्लैंड के अब 6 विकेट गिर चुके हैं जिसमें से 5 विकेट अश्विन के नाम रहे। अश्विन ने बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप के साथ साथ बेन स्टोक्स और बेन फोक्स को आउट किया है और कुल मिला के 5 रविचंद्रन अश्विन के पास और 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला। पिछली पारी में कुलदीप यादव के नाम 5 विकेट थे तो इस पारी में अश्विन के नाम और ये मुकाबला अभी तक पूरी तरह स्पिनर्स के नाम रहा है और इस श्रृंखला में पहली बार हो रहा है कि तेज गेंदबाज या भारतीय तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला है। आपकी क्या राय है कि अश्विन कितने विकेट और लेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।